सर आपके द्वारा जो है एक नई पहल जो है जिला कारागार में की गई है, कैदियों को जो है शिक्षा दी जा रही है, किस तरह से टीचर जो है कैदियों को बनाया गया है, क्या कुछ ट्रेनिंग दी गई और किस तरह से अब जो है ये क्लासेस चल रही हैं फिलहाल? आप देखिए जैसे यहाँ लगभग 200 जो है हमारे बंदीगढ़ जो हैं छात्र के रूप में जो है यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसमें से लगभग 100 ऐसे हैं जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था और उनको अक्षर ज्ञान जो है यहाँ जो क्लासेस चल रही हैं उसके माध्यम से दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि लगभग हमारे 50 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ले रहे हैं, उनको अंग्रेजी भाषा का जो है इसका यहाँ जो हम ज्ञान दे रहे हैं। और इसके अलावा आप इधर देखें तो लगभग 30 लोग ऐसे हैं जो उर्दू भाषा का ज्ञान ले रहे हैं। सर किस तरह की क्लासेस जो है इसमें दी जा रही हैं, किस तरह से कैदी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और जो विशेषतः कि जो कैदी टीचर बन गए हैं, किस तरह से ट्रेनिंग किसने दी और कैसे हुई? यहाँ जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं वो बाय प्रोफेशन भी जो है कुछ लोग पहले से अध्यापक थे, इसके अलावा जो यहाँ पढ़े लिखे हैं जिनके पास अच्छी योग्यता है वो भी जो है उत्साह से जो है इस अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं। क्लासेस कौन कौन सी चल रही है और क्या टाइमिंग रहती है इस स्कूल की? ये प्रतिदिन 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है यहाँ क्लासेस चलती हैं और सभी लोग जो है बहुत उत्साह से बहुत उमंग से जो है यहाँ पढ़ने आते हैं और एक जो अनुशासित विद्यार्थी बनकर क्लासेस में आते हैं और उसी अनुशासन से यहाँ जो है क्लासेस ख़त्म होने के बाद जाते हैं। क्या क्या दिया जा रही है, जैसे इंग्लिश है सर, उर्दू, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है इनको? अंग्रेज़ी भाषा के साथ साथ उर्दू का भी जो है ज्ञान दिया जा रहा है। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ना जानता था लेकिन सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ पाता था तो उनको किताबें पढ़ना, अखबार पढ़ना, ये भी जो है सिखाया जा रहा है।